तो फाइनली गाइस मेरे आईफोन 11 के यहाँ पे 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसकी बैटरी हेल्थ देखने वाले हैं कितनी बची हुई है, और प्लस साथ ही में मैं आपको यहाँ पे कुछ बैटरी हेल्थ मेंटेन की टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं गाइस, वो उनको तो पता ही होगा कि इसको मैंने ऑफलाइन परचेस किया था। ऑफलाइन और ऑनलाइन परचेस करने में रेट का बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। जो ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वो यहाँ पे आपको ऑफलाइन में डिस्काउंट नहीं मिलता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन रेट देखेंगे जाके फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में, जो प्राइस कट मार्क होकर लिखा रहता है वही प्राइस आपको ऑफलाइन रेट में मिलता है। मतलब आप किसी शोरूम में परचेस करेंगे तो जो कटमार्क हो के वहाँ पे प्राइस लिखा रहेगा ऑनलाइन में, वो आपको ऑफलाइन शोरूम में मिल जाएगा। गाइस ये जो आईफोन 11 है ये 128GB वेरिएंट है। और गाइस मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज शेयर कर ही दिया है, तो अब यहाँ पे गाइस हम लोग बढ़ते हैं इसकी बैटरी हेल्थ की तरफ। तो वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आपके गाइस मेंटेन टिप्स शेयर करने वाला हूँ वो मैं खुद ही यहाँ पे यूज करता हूँ पर्सनली, और आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है गाइस वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगी, आपकी बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे गाइस मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कब परचेस किया था। तो उसके लिए गाइस हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसकी जनरल वाले ऑप्शन में, उसके बाद गाइस अबाउट सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी लिमिटेड वारंटी है वो यहाँ पे एक्सपायर हो रही है 29/1/2022 को, यानी कि मैंने इसको परचेस किया था 30/1/2021 को, और गाइस आज है 31 जुलाई। तो यहाँ पे टोटल मेरे यहाँ पे 6 मंथ+1 डे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी गाइस 6 महीना 1 दिन हो चुका है और इसकी कितनी बैटरी बची हुई है, तो चलो गाइस अब वो भी यहाँ पे आपको वेट नहीं करवाते हैं, वो भी दिखा देते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर बैटरी हेल्थ की मेंटेन टिप्स भी दे देते हैं। तो हमने गाइस बैटरी हेल्थ की मेंटेन टिप्स आपको ज़्यादातर सभी वीडियोज़ में दे रखी है, क्योंकि मैंने जो है हर एक मंथ में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया कि कितनी मेरी बैटरी हेल्थ बची हुई है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे मेरे 6 मंथ भी कंप्लीट होंगे तो वहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मेरी बैटरी हेल्थ यहाँ पे कितनी बची हुई है। चलो गाइस जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे मेरी बैटरी हेल्थ है वो कितनी बची हुई है। चलते हैं बैटरी वाले ऑप्शन में, बैटरी हेल्थ वाले ऑप्शन में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बैटरी हेल्थ है यहाँ पे पूरी 100% शो कर रही है, और पूरे यहाँ पे गाइस मेरे 6 मंथ 1 डे कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसा गाइस मैंने कौन सी बैटरी हेल्थ मेंटेन टिप्स फॉलो करी है जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी पूरी 100% कैपेसिटी अभी भी अवेलेबल है। हालांकि 6 मंथ में तो यहाँ पे गाइस लोग कितनी परसेंट डाउन हो जाती है, तो अभी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरी पूरी 100% बैटरी शो कर रही है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ मेंटेन टिप्स शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग भी सच कमेंट में बता के जाना आप लोग जो है अपने आईफोन को कब से यूज कर रहे हैं, आपका आईफोन कितना ओल्ड हो चुका है और उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी बची हुई है। तो जो गाइस देख लेते हैं यहाँ पे मैं जो है कौन कौन सी टिप्स ऐसी फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी जो आईफोन 11 की बैटरी हेल्थ है वो पूरी यहाँ पे 100% अवेलेबल है। गाइस सबसे पहली जो टिप्स है गाइस वो ये है, मैंने आपको जो है पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है, बट कई सारे नए लोग जुड़ते हैं तो गाइस फिर से बताना पड़ता है, ठीक है। गाइस जो सबसे पहली टिप्स है वो ये है कि अगर आप अपने आईफोन में गेमिंग करते हैं तो गेमिंग करते समय आपके मोबाइल के बैक साइड में हवा लगती रहनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसा फ़ैन है जो ऑन होना चाहिए जिससे आपके मोबाइल के बैक साइड में हवा लग रही हो। और दूसरी बात, जिस भी रूम में आप खेल रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। इससे गाइस ये होगा कि आपका जो आईफोन 11 की बैटरी रहेगी वो कम हीट होगी, और कम हीट होने की वजह से आपकी जो आईफोन 11 की बैटरी की हेल्थ रहेगी वो मेंटेन रहेगी, जल्दी ड्रॉप नहीं होगी। ये तो गाइस एकदम सीधी सी बात है। तो गाइस आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि बैटरी हेल्थ डाउन होने का मेन रीज़न यही होता है कि आपकी जो बैटरी हीट होती है, हीटअप होने की वजह से आपकी बैटरी का जो हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाता है। और कोई भी डिवाइस हो गाइस, एंड्रॉयड हो, iOS हो, अगर उसकी बैटरी हीट हो रही है तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आपको उसका बैकअप भी धीरे धीरे कम मिलता जाएगा, ठीक है। कि अगर आप एक एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं तो उसका थोड़ा बहुत तो ध्यान आप रख ही सकते हैं जिससे आप उसे लंबे समय तक यूज कर पाएँ। तो गाइस अब बात आ जाती है यहाँ पे दूसरी टिप्स की। तो दूसरी टिप्स गाइस ये है कि अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर कुछ भी यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा बहुत हीट हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है गाइस, आपको तुरंत चार्जिंग में नहीं लगाना है, आपको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, उसके बाद फिर आपको चार्जिंग में लगाना है, जिससे आपका मोबाइल जब चार्जिंग में लग जाएगा तो चार्जिंग में लगने के बाद भी गाइस वो उतना हीट नहीं होगा। जैसे पहले से ही हीट रहेगा और तुरंत आप चार्जिंग में लगा देंगे तो उसका जो हीटनेस लेवल है वो तब तक रहता है जब तक कि आपका मोबाइल चार्जिंग से आप हटा नहीं लेते हैं। आपका मोबाइल जो है पहले जो यूज करने पर थोड़ा गर्म रहता है, अगर 10-15 मिनट रख देंगे ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर अगर आप चार्जिंग पर लगाएंगे तो फिर आपका मोबाइल जो है अगर चार्जिंग पर लगा भी रहेगा तो इतना ज़्यादा वहाँ पर वो हीट नहीं रहेगा,
नॉर्मल रहेगा, तो इससे ये होगा कि आपकी बैटरी वहाँ पे भी सेफ रहेगी। बैटरी हेल्थ की जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल भी बनी रहेगी। जैसे कि आपने मेरे मोबाइल की देखा है यहाँ पे पूरी 100% बनी हुई है। आप फिर पे यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्लिक करके, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हैं पूरी 100% बनी हुई है। और इसी के साथ गाइस एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन चार्जर मंगा लेते हैं, ऑनलाइन में गाइस आपको ओरिजिनल चार्जर नहीं मिल पाता है। 20 वाट का है, कितने भी वाट का हो ओरिजिनल आपको जल्दी नहीं मिल पाता। ओरिजिनल आप वही लोग ओरिजिनल ले सकते हैं जिनको ओरिजिनल और लोकल में फ़र्क समझ में आता है। तो ऑनलाइन लेने में गाइस बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सस्ता मिल गया है, तो ऐसे गाइस एप्पल शोरूम में लेने पे महंगा पड़ रहा था और यहाँ पे ऑनलाइन परचेस करने के बाद मुझे सस्ता मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ। तो यही कारण है गाइस, इसके वजह से भी आप लोगों की जो बैटरी हेल्थ है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि चार्जर लोकल रहता है। लोकल चार्जर गाइस अगर आप अपने आईफोन में यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है गाइस आपका आईफोन का जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत जल्दी ड्रॉप होगा। चार्जिंग पे लगाने पे हीटिंग जल ज़्यादा होगी, तो समझ जाना गाइस कि आपका चार्जर लोकल है। तो इसीलिए गाइस आप लोग जो है शोरूम से ही चार्जर को परचेस करें, ऑनलाइन परचेस ना करें। तो गाइस अब आ जाते हैं यहाँ पे तीसरी टिप पे। तो तीसरी वाली टिप गाइस मेन ये है कि आपको अपने मोबाइल को सनलाइट में यूज नहीं करना है। जैसे कि आप कहीं छत पे हैं या फिर कहीं भी बाहर हैं, आपको मतलब धूप ज़्यादा है वहाँ पे, गर्मी ज़्यादा है और वहाँ पे भी आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल में जो है सनलाइट पड़ रही है, तो इससे गाइस आपका मोबाइल ज़्यादा हीट होता है। हीट होने की वजह से आपका वही जो बैटरी हेल्थ है उस पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिला के गाइस यहाँ पे पूरा जो फोकस जाता है वो हीटिंग पे जाता है। तो मेन गाइस रीज़न यही है, मेन जड़ यही है, इसी वजह से आपकी जो बैटरी हेल्थ है उसका मेंटेनेंस नहीं बन पाता है और जल्दी ज़्यादा आपकी बैटरी हीट हो जाती है। उसी वजह से गाइस आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाती है। और जो मैंने आपको चार्जर वाली बात बताई लोकल चार्जर वाली, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मैं तो यहाँ पे 20 वाट का चार्जर यूज करता हूँ जो कि मैंने एप्पल शोरूम से ही परचेस किया था, वहाँ भी मुझे आज प्रॉब्लम नहीं हुई। चार्जिंग पे लगाने पे भी मेरा जो फ़ोन है वो हीट नहीं होता है। मैं इसमें गेमिंग भी करता हूँ, यूजेस तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि मैंने इसमें क्या क्या यूज करता हूँ, ठीक है। तो यूजेस में आप देख ही सकते हैं गाइस मैं इसमें क्या क्या यूज करता हूँ, ठीक है। तो जो जो मैं गाइस यहाँ पे यूज करता हूँ वो आपके सामने, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे गेमिंग भी करता हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ पे BGMI तो आया नहीं है iOS के लिए, बट तो फिलहाल के लिए KR वर्जन से गाइस यहाँ पे मैं मुझे काम चलाना पड़ रहा है। और जो BGMI है वो तो गाइस मैं अपने जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ एंड्रॉइड उसमें खेलता हूँ BGMI। तो देखते हैं गाइस कब तक आता है BGMI अपने iOS में। वैसे गाइस आएगा तो फिलहाल मैं तो उस पर एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन गाइस जो मैंने यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी है आईफोन 11 बैटरी हेल्थ की, तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इसके साथ गाइस आपकी जो बैटरी हेल्थ रहेगी वो भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगी, जैसे कि यहाँ पे मेरी मेंटेन रही है। तो जो मैंने गाइस यूज किया वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस गाइस यही छोटी छोटी कुछ बातें रहती हैं जिनके असर जो है बहुत बड़े रहते हैं, जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं गाइस तो आगे चल के आपको उसको बेनिफिट जरूर मिलता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।